इस बार देखिए, पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास जताएगी तो उम्मीदवार जरूर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि अरे किसी को ना किसी को तो उम्मीदवार पार्टी को बनाना ही है, पार्टी वहां चुनाव हमारी लड़ेगी। तो निश्चित तौर पे देखिए, वो तो समय की बात है, अभी अभी तो टिकट मिला नहीं है किसी को ना, अभी चुनाव है तत्काल में। लेकिन हम तो आपको पता है कि पहले से बोले, वहां लोग माले से उब चुके हैं। सत्यदेव राम का कोई काम नहीं है। और एनडीए की जो सरकार अलायंस रहेगी, सरकार इस पर मजबूती से बने। स्वागत है आप सभी का बीएसएन लाइव न्यूज में। बता दें कि पूरे देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, और बात करेंगे बिहार के सीवान लोकसभा सीट की, जहां पे भाजपा समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का विजयी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी अभी भाजपा कार्यालय में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का आगमन हुआ। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, भाजपा कार्यालय रेणु देवी पहुँच चुकी हैं, जहाँ पे भाजपा के तमाम नेता उनका भव्य स्वागत किया। और साथ ही साथ भाजपा नेता मनोज कुमार राम, जो कि दरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं कि भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं, मनोज कुमार राम देख सकते हैं तस्वीरों में रेणु देवी को बूके देकर और अंगवस्त्र से उनका सम्मानित करते हुए। आइए क्या कुछ कहते हैं भाजपा नेता मनोज राम से बात करते हैं कि क्या लग रहा है सिवान में रेणु देवी के आने से भाजपा कितना मजबूत होगा। इनके स्वागत में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, आज सिवान की प्रभारी मंत्री के रूप में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी का आगमन हुआ। उस आगमन में पूरे सिवान जिला के एक एक कार्यकर्ता उनका हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। उनको आने से हमको लगता है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें काफी मजबूती मिलेगी। अच्छा मनोज राम जी, जैसा कि बिहार का जो चुनाव है, जातीय आंकड़ा देखने को मिलता है, जातीय समीकरण, रेणु देवी जिस जाति समुदाय से आती है, क्या लग रहा है कि उसका जो वोटर है वो लोग मजबूती से भाजपा के साथ खड़े रहेंगे 25 के चुनाव में? आप जो बीता चुनाव आप देख लिए होंगे कि जाति समीकरण कितना बढ़िया काम किया। इस बार लोगों ने तरह तरह का विरोध किया, अफवाह उठाया, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से 1,00,000 वोट से जीते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अगर हमारे रेणु देवी आई है तो उनके निश्चित है कि शायद चौहान समाज से आती है, मजबूती तो मिलेगा। कोई भी देखिए बड़े नेता है, कोई छोटी नेता तो है नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके आने से काफी यहाँ पे सिवान जिला में वोटरों पर असर पड़ेगा। यहाँ अति पिछड़ा से आती हैं, आप भी अति पिछड़ा से ही आते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा आपको उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि 20 के चुनाव में प्रबल दावेदार थे विधायकी का? देखिए, ये बात तो अभी बात की बात है, समय आएगा तो पार्टी जरूर बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनाएगी। हम लोग भी समय का इंतजार कर रहे हैं। दरौली विधानसभा आरक्षित विधानसभा है, वहाँ से हमेशा देखा गया है कि दलित समाज के ही लोगों को टिकट मिलता है। पिछले दो चुनावों में आपने भरपूर कोशिश किया लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, इस बार क्या उम्मीद लगाए हैं आप? इस बार देखिए, पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास जताएगी तो उम्मीदवार जरूर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि अरे किसी को ना किसी को तो उम्मीदवार पार्टी को बनाना ही है, पार्टी वहां चुनाव हमारी लड़ेगी। तो निश्चित तौर पे आने दीजिए समय, जो होगा उसका। विधानसभा के चुनाव कब तक संभावित है, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? देखिए, जानकारी तो हमको अभी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मीडिया के माध्यम से कि चुनाव हो सकता है समय से पहले भी हो सकता है। समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मीडिया में हम भी कुछ रिपोर्ट देखे, इसके रिपोर्ट के आधार पर ही हम भी बोल रहे हैं कि कुछ समय से पहले अच्छा, चुनाव हो सकता है। जिस समुदाय से आते हैं, उस जाति का बहुत बड़ा तबका उस एरिया में विधानसभा दरौली में माले का कोर वोटर रहा है और राजद और माले को वोट करते आ रहा है, कितना आसान होता है अगर पार्टी आपको टिकट देती है? देखिए, वो तो समय की बात है, अभी तो टिकट मिला नहीं है किसी को ना, अभी चुनाव है तत्काल में। लेकिन हम तो आपको पता है कि पहले से बोले, वहाँ लोग माले से उब चुके हैं। सत्यदेव राम का कोई काम नहीं है, दरौली में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ राशन किराशन के नाम पे गरीबों को वहाँ लूटते रहे, बांटते रहे, तोड़ते रहे। लेकिन वह जनता पूरी तरह से, वह जनता समझ चुकी है। इस बार आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा, निश्चित वहां से माले हारेगी और जो भी प्रत्याशी वहां जाएगा वह जीत करके जाएगा। बिहार में क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की इस बार? अभी तो समय है, बहुत सारा समय है, लेकिन बिहार में इस बार निश्चित तौर पर भाजपा और एनडीए की जो सरकार अलायंस रहेगी,
सरकार इस पर मजबूती से बने। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा बिहार में? एकदम क्यों नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। मनोज राम जी, लोकसभा चुनाव में गरौली की बात कर, गरौली से एनडीए जीता, करीब 1000 वोट से जीता, लेकिन चुनाव जीता। लेकिन माले दावा कर रहे थे कि यहाँ से हम लोग चुनाव जीतेंगे और काफी मजबूती से हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एनडीए वहाँ से चुनाव जीता। देखिए, इसमें आपका योगदान रहा मनोज राम का? हमारा तो योगदान पूछिए मत, योगदान आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से चाहे कहीं से भी। हम लोग तन मन धन से लगे हुए थे और बोल भी रहे थे कि हम लोग चुनाव निश्चित तौर पे जीतेंगे, और द्रौली से हम लोग लीड करवाया और उसका अब हम अपना ही बात बोले तो लोग को अच्छी लगेगा, लेकिन हकीकत में ये भी साख की बात थी, क्योंकि आपका भी चेहरा वहाँ से काफी बड़ा चेहरा है, लोग अनुमान लगा रहे थे अगर चुनाव वहाँ से एनडीए जीतती है तो निश्चित ही मनोज राम की भी वहाँ से जीत हो सकती है। तमाम दल के लगने के बावजूद ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव बन गया। अब हमारे क्षेत्र में देखे तो साड़िया बटाया, पैसा बटाया, लोगों ने, अदर पार्टियां ने बांटा, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी कोई 1 रुपया किसी को दिया नहीं। लोग मोदी जी के नाम पर, विश्वास पर, काम पर वोट दिया।